समझ आया बालवीर? हाँ, यहाँ से आगे बढ़ने पर हर कदम पे कोई ना कोई खतरा है, और इस दलदल को पार करने के लिए हमें उड़कर ही जाना होगा। लेकिन हमारा मैजिक तो उल्टा सीधा हो रहा है, कहीं उड़ने के बदले दलदल में ही गिर गए तो? आपकी बात भी सही है। ये कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है कि तुक्का मार लिया और हो गया। यहाँ पे एक मिस्टेक और गेम ओवर। हाँ, लेकिन इस दलदल को पार करने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। आखिर भाईमार और रे भी इस दलदल को पार तो करते ही होंगे। मिल गया सोल्यूशन। चलो, बनाना ट्री। हाँ, लेकिन हमें इनमें से लाल केले का वृक्ष ढूंढना है। बस कुछ देर और मित्र, एक बार रेन के बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दे, फिर तुम अपना बदला ले सकते हो, क्योंकि ये भी अच्छाई का रखवाला है। वो देखो नडिया, लाल किले का वृक्ष, हमारी औषधि। जाओ वन मानुष, इस दुनिया से अच्छाई का नाम निशान मिटा दो। दुनिया में पहले से ड्रेस की कमी है, मैं तुम्हें ये ट्री नहीं काटे दूंगा। शायद तुम भूल रहे हो मेरे दोस्त कि गोरिल्ला सर्कस में करतब दिखा सकता है, स्टंट कर सकता है, लेकिन मैजिक नहीं कर सकता।
थैंक्स रे याद दिलाने के लिए कि मैं तो बालवीर बनकर लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि मुझे गोरेला बनकर लड़ना चाहिए। अगर बंदर के हाथ में तलवार आ जाए ना तो वो राजा की नाक भी काट सकता है, लेकिन मेरे हाथ में तो चेन सॉ है, तो सोचो मैं क्या कर सकता हूँ। माय डियर फ्रेंड, इस चेन सॉ से मुझे मत डराओ, या यू हैव बनाना। मुझे केला खिला रहा है, अब तो मुझे अपना फुल प्रूफ वाला वेपन यूज करना ही होगा। तुम यहां से जल्दी उस लाल केले के वृक्ष के पास जा, मैं इसे संभालता। सर, मैं यहां पर हूं। लगता है आपकी आंखें कमजोर है। अरे सर, किस बात का गुस्सा है आपको? भी क्या जल्दी है नन्या, थोड़ी मेहनत कर लो ताकि तुम्हारी मेहनत का फल भी मीठा हो जाए। ये बनाना लो और खाओ इसे। थैंक्स फॉर केला, लेकिन नहीं खाता मैं कुछ अकेला।
हेलो ब्रदर, अब एंटीडोट नहीं मिला तो तुम भी मेरी ही तरह हमेशा के लिए गोरिल्ला फैमिली के मेंबर बन जाओगे। नाउ टेल मी, अब भी ये पोर्टल डिस्ट्रॉय करना चाहते हो या फिर? नैनो की दुनिया से निकलने का गुप्त द्वार बंद किया? नहीं बेबार, मैं पोर्टल को क्लोज नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि विवान ने मुझे काट लिया है और मैं भी कुरेला में ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ, इसलिए मैं अनोखी दुनिया आ रहा हूँ एंटीडोट लेने के लिए। नहीं 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 रे, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। ये कदली फल मैंने काललोक में भी ला के रखा है, तुम वहां से जाके ले सकते हो। लेकिन रे, कदली फल खाते ही तुम जल्द से जल्द इस गुप्त द्वार को बंद करोगे, ठीक है? ठीक है। अगर गुप्त द्वार को बंद करते हुए रे की जान चली भी जाए कोई गम नहीं, क्योंकि बालवीर को खत्म करना ही मेरा असली मकसद है। कामिनी जी, ये बच्चे क्या बात कर रहे हैं? आपको समझ में आ रहा होगा ना, जरा बताइए ना। अरे हद करते हैं आप, हमें कैसे समझ में आएगा? हा? हम क्या गोरिल्ला भाषा जानते हैं? अरे नहीं, आप लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं? हो सकता है उन्हें और भूख लगी हो, खाना मांग रहे हो। चलिए देखे आके। हर बार हमको बोलती हूँ। अब
माँ सब जल्दी ठीक हो जाएगा। You are right, Vivan. But don't worry. ये magical fruits खाने के बाद all will be well. रुक जाओ! अरे रुको रुको, अरे एक बल मत खाना, रुको। ये क्या खिला दिया तुमने इन्हें? अब चिंता मत करो विवान, ये फ्रूट्स खाने से ये एक पेट डॉग से भी ज्यादा वफादार हो जाएंगे। और फिर मेरा हर ऑर्डर मानेंगे। अब एक एग्जांपल दिखाऊं तुम्हें? सी, कम ऑन गाइस, अब जाओ भारत नगर और भारत नगर के आसपास के एरिया में तुम्हें जो कोई दिखे सबको जाके काटो और हमारी बिग गोरिल्ला फैमिली में वेलकम करो। गो गाइस। अब विवान अपने दोस्तों को संभालने में बिजी रहेगा और मैं बहुत आसानी से उस पोर्टल को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। Now you wait and watch. वीर, यहां से जीत कर नहीं जा सकते बालवीर। मनुष्य मेरे मित्र, जाओ और कदली पेड़ के सारे फलों को खा जाओ, ना बचेगा कदली पेड़ और ना होंगे भारत नगर के बच्चे ठीक। अगर बालवीर को खत्म करने के लिए मुझे अपने मित्र की बलि चढ़ानी भी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये अनन्या अचानक कहां चली गई? अगर इस वन मानुष ने औषधि वाला पेड़ खा लिया तो भारत नगर के सारे लोग हमेशा के लिए वन मानुष बन जाएंगे। चिंटू चिंटू चिंटू, अरे हमारे घर में जुए नहीं है। अरे अगर तुम्हें भूख लगी है तो हमें बोलो ना, हम घर चल के तुम्हारे लिए भजिया बना देंगे, सैंडविच बना देंगे, अरे जो कहोगे वो बना देंगे। Please!
अरे रिंकू, अरे रिंकू होश में आ। अरे यार सॉरी रिंकू, सॉरी सॉरी माँ। अरे रिंकू ये सब कहाँ चले गए? अब क्या करें? चलिए माँ। नहीं, अब इसे रोकने के लिए मुझे अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करना ही पड़ेगा, चाहे उसका असर उल्टा हो या सीधा। अब इसे रोकने के लिए मुझे अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करना ही पड़ेगा, चाहे उसका असर उल्टा हो या सीधा। वार तो निशाने पर लगा है लेकिन असर होने में देर हो रही है, मैं क्या करूं? का झटका जोर से लगा, पेडल हिट है वो। अनन्या आप तुरंत औषधि के फल लेकर यहां से जाइए, मैं इसे रोकता हूं। मनोज, बालवीर से अपना बदला पूरा करो। ये बालवीर भी उसी अच्छाई का हिस्सा है जिसने तुम्हें पत्थर की मूरत बना दिया था। You cannot leave Baalveer. अब इसी magical world में तुम्हारी ग्रेव पर हेडस्टोन रखूंगा मैं। I promise. Thank you.
लगता है इसे बेहोश करने के लिए मुझे इस पर वार करना ही पड़ेगा। ये बेचारा तो पहले से ही दर्द में, मैं इस निर्दोष प्राणी पर और वार नहीं कर सकता। बालवीर, तुम ठीक हो? हाँ नन्या, मैं ठीक हूँ, लेकिन हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। उससे पहले तुम्हारे लिए एक अपडेट है। क्या? भैमार उस गुरिल्ला को मित्र बोल रहा था। ओह, इसका मतलब कहानी अब बदलने वाली है। मम्मी, मुझे सतनी ने काट लिया। खुशी, 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 मेरी बात सुन। खुशी, माँ, 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 अभी, अभी यहाँ से चलिए। खुशी को ऐसी हालत में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं? लेकिन माँ, इस वक्त हमारे पास बालवीर का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। खुशी, माँ, चलिए। कामिनी, पद्मिनी, ये भी गुरिल्ला बन गए। ये पक्का मुझे काटने वाली। हे भगवान, काश बालवीर यहाँ पर होता। एक बालवीर नहीं लौटा तो क्या हुआ? दूसरा बालवीर तो आपके पास ही है माँ। मुझे बालवीर का कर्तव्य पूरा करने के लिए शक्ति दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए। अच्छा, तो बालवीर का बनाया हुआ ये सीक्रेट डोर भी मेरे साथ फाइट कर रहा है। कोई बात नहीं, देखते हैं ये पोर्टल कब तक बंद नहीं होता है। भैमार, तुमने इन केलों को क्यों बचा कर रखा है? और स्वर्ण मानुष के लिए जिसको तुमने आदेश दिया है इसे खाने का, ये जानते हुए भी कि इन केलों को खाकर उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो तो तुम्हारा मित्र था ना, फिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? भैमार किसी का मित्र नहीं है। हाँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ बनमानुष का इस्तेमाल किया अपने स्वार्थ के लिए, और तुम्हें मारने के लिए ऐसे 10 और बनमानुष का बलिदान दे सकता हूं। क्या वो वन मानुष तुम्हारे लिए सिर्फ एक कठपुतली था, जिसे तुम जब चाहो जैसे चाहो अपने इशारों पर घुमा सकते हो? हाँ, सिर्फ वन मानुष ही नहीं,
मैं सारी दुनिया को अपने इशारे पे नचाना चाहता हूं। मेरा मकसद राज करना है, राज, दोस्ती निभाना नहीं। लगता है तुम्हारा पुराना दोस्त तुमसे कुछ हिसाब चुकता करना चाहता है ना? और तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो तुम अपने पपेट से माफी मांग लो, या फिर इसके हाथों बलि चढ़ जाओ। मुझे अपने पालतू जानवर को काबू करना अच्छे से आता है। अगर इस वन मनुष्य को आजाद करना है तो भयमार के हाथों से उसे नियंत्रण में रखने वाला यंत्र छीनना होगा। प्लान क्या है तुम्हारा? मूर्ख वन मनुष्य, खत्म करो जाके जल्दी इन दोनों को। बालवीर, हेरा, अगर बालवीर ही ऐसी मुसीबत में है तो दुनिया को कौन बचाएगा? मेरे विवान और खुशी कहाँ है? आप चिंता मत कीजिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन आप भी इस कमरे से बाहर मत निकलिएगा माँ। एक सेकंड, तुमने मुझे माँ कहा? वो मेरा मतलब विवान की माँ, मतलब मेरी माँ। लेकिन अभी मुझे बाकी लोगों को बचाने जाना है। पीछे आंगरी गुरेला की हलचल और आगे अनोखी दुनिया का ये दलदल, अब क्या करेंगे? कूद जाते हैं। पार्वीर, ओ हेलो, ये कैसा प्लान है? दलदल में जम कर दिया। आ जाइए, विश्वास रखिए। अरे आपको आना ही होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। आइए। कैसा प्लान है तुम्हारा? खाई से बचने के लिए कोई कुएं में कूदता है क्या? जिसे उड़ना आता उसे खाई का कैसा डर, और जिसे तैरना आता उसे कुएं से कैसा डर? हमें तो दोनों आता है, तो फिर डरने की क्या बात? अरे कटर और बालवीर, याद है जब तुमने दलदल से निकलने के लिए उड़ने की कोशिश की थी तो तुम उसमें और धंसने लग गए थे? याद है ना, लेकिन फिर से एक बार याद दिलाने के लिए धन्यवाद। ओ हेलो बालवीर, ये तो हम इसमें और अंदर जाते जा रहे हैं, प्लीज कुछ करो। क्या किसी ने कभी सोचा होगा
महान बालवीर अपनी जान बचा के भागता हुआ रेतीले दलदल में धस के मर गया। परितर, प्लीज प्लीज मेरी प्रार्थना सुन लीजिए ताकि मैं इन सबको थिर मूर्ति जादू से फ्रीज कर सकूं। इस पेड़ को काटने के लिए मुझे और हाथों की जरूरत पड़ेगी। माय गोरिल्ला फैमिली, मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। कम अरे ये सब लोग कहां जा रहे हैं? इसका मतलब अब मैं भी गोरिल्ला बनने के फाइनल स्टेज पर हूँ। ओके ओके, इसका मतलब अभी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। देखो भैया, जल्दी से आंटे डॉट लेकर वापस आ जाइए, हमारे पास बहुत कम समय है। बड़े बालवीर की कब्र तो बन गई, अब देखना है कि रे ने वो गुप्त द्वार बंद किया कि नहीं। चलो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तुम ना तो डूब गए थे ना दलदल में। भयमार, एक आम आदमी को डूबने में भी 60 पलों का समय लगता है और हमारे पास तो जादुई शक्तियां भी है। और तुम्हें तो विक्ट्री की इतनी जल्दी थी कि तुम वहां पे 6 सेकंड भी नहीं रुके। इसलिए तुमने उस औषधि और इस वन मानुष को नियंत्रण में रखने वाला यंत्र दोनों खो दिए। तो गाइस, टास्क ये है कि हम सबको मिलके इस पेड़ को काटना है। कम फ्री हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। हाँ, जिंदगी में भी और बीमार के साथ भी। नहीं नहीं बन मनुष्य, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी रुको, मैं तुम्हें अभी भी वापस पहले जैसा ठीक कर सकता हूँ। भयमार, तुम्हारे झूठ का जाल इस वन मानुष के सामने खुल चुका है, अब तुम इससे कुछ नहीं छुपा सकते। इसलिए अब अच्छा यही होगा कि तुम ऑनेस्टली बता दो कि गोरिल्ला को ठीक करने का मेथड क्या है। वो यंत्र जो तुम्हारे हाथ में है, उसे गोरिल्ला की तरफ फेंको, वो वापस ठीक हो जाएगा। फेंको। देखा, सच बोलना कितना आसान होता है। आ, आ,
मानुष, आप अपने पुराने दोस्त के साथ अपना पूरा हिसाब चुकता कर लीजिए। हम चलते हैं। गाइस, ये दिखता गोरिल्ला की तरह है लेकिन ये हमारी फैमिली का मेंबर नहीं है। चल ले लो इससे चेंसो। गो। अनन्या, हमारे पास केवल 10 मिनट है। हमें समय सीमा खत्म होने से पहले बच्चों को ये औषधि देनी होगी, वरना ये उनके लिए जहर बन जाएगी। हरिया बालवीर, That is more like it. Come on, guys. अब हम ये एंटीडोट सबको देंगे कैसे? इस बार भी हमने तुम्हारी बिरकी ले ही ली। I say that's more like it। चल मैं। अरे कौन गया? अबू ने चला। विवान? माँ? कहाँ चला गया था तू? मम्मी। चिंटू चिंटू। मम्मी। खुशी। तू ठीक है ना? थैंक गॉड तुम दोनों ठीक हो। थैंक यू बालवीर, हमारे बच्चों की जान बचाने के लिए और हमें भी बचाने के लिए। बालवीर की जय! बालवीर की जय! विवान, तू अचानक कहाँ गायब हो गया था? माम, मैं तो आपके साथ में ही था, आपके आंचल में छुप गया था। बोलो नहीं, सुनो, मैंने एक छोटा बालवीर देखा था, वो मुझे माँ बुला रहा था। एक घड़ी को मुझे ऐसा लगा कि तू ही है। ये नटखट वीर हो सकता है। हाँ, लेकिन बालवीर कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं, कभी नहीं। करेक्ट बोला चिंटू ने। वैसे मुझे लगता है कि हर माँ को अपना बच्चा बालवीर ही नजर आता है। हाँ, वो तो है। तो इसलिए माँ को थोड़ी कंफ्यूजन हो गई होगी।
बाबा। शिप रोको। हाँ रोकता हूँ। जिस चांद के त्रिकोण को हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया है। अरे इस काले गंदे पानी में ये तीर विधि से चांद को देखकर तुम लोग अपनी लंबी उम्र मांगने वाले हो या मेरे? ना तुम्हारी ना हमारी तौबा तौबा, बल्कि हम यहाँ बुराई की लंबी उम्र मांगने आए हैं। और जिस पानी को तुम गंदा बोल रहे हो वो कोई मामूली पानी नहीं बल्कि काल जल है। काल जल? हाँ काल जल, जिसकी एक एक बूंद बीते हुए समय के एक एक पल से बनी है। जितनी ज्यादा बूंदें लोगे उतनी ज्यादा बुराई और उसके साथियों की यादें लौटेंगी। और ये चांद का त्रिकोण काल नक्षत्र है। आज इस काल नक्षत्र की मदद से हम इस काल जल के कण कण को जागृत करेंगे और फिर इतिहास की उस शक्ति को जिंदा करेंगे जिसने बालवीर और सारी अच्छाई को घुटने पे ला दिया था। हाँ लेकिन वो सब ठीक है, लेकिन है कौन सी वो बुरी शक्ति? अरे बताइए तो सही, ऐसा है कौन? कालोक की भैरानी, हैरानी तिमनासा। लेकिन कहीं दोनों बालवीरों को इस बात की भनक लग गई तो हम भी इस काल जल में यादों की बूंद बन के रह जाएंगे। शौर्य, आखिर काल जल की मदद से कौन सा षड्यंत्र रच रहे हैं वो लोग और कौन सा इतिहास बदलना चाहते हैं? उनका उद्देश्य जानने में समय लगेगा बालवीर, पर इतना अवश्य पता है कि काल जल अतीत और उसकी यादों को वापस लाने का जरिया है और अतीत की बुराइयां अक्सर वर्तमान की अच्छाइयों पर भारी पड़ सकती है। इसलिए अपना हर कदम संभाल कर उठाना बालवीर। लेकिन शौर्य ये तो रॉन्ग है ना, करेले की सब्जी खाएं वो लोग पर मुंह कड़वा वो हमारा। समय चक्र के कार्य करने के तरीके रहस्यमयी होते हैं विवान, इसलिए होशियार रहने में ही समझदारी है। आप सही कह रहे हैं शौर्य, चिंता मत कीजिए, बुराई की इस चिंगारी को ज्वाला नहीं बनने देंगे। रे और भयमारकों के बुरे इरादों में हम कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन एक बात याद रखना बालवीर, वहां पर तुम्हारी ऊर्जा की शक्ति काम नहीं करेगी, तो तुम्हें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा बालवीर। वायु परी, गति बढ़ाइए। हाँ। अब हमें उस दिव्य शक्ति यंत्र को लाना होगा जिससे हम फिर से तिमनासा को जीवित करेंगे। काल नक्षत्र, अपनी शक्तियों से जागृत करो इस दिव्य शक्ति यंत्र को।
अब जैसे ही इस यंत्र में काल जल जाएगा, इसमें तिमनासा की यादें फिर से समाने लगेंगी और ये यंत्र फिर से तिमनासा को जिंदा कर देगा। वो रहा काल नक्शा। इसका मतलब हम रे और भैमार के पास पहुंचने वाले हैं। हाँ, मैं जहाज की गति को और तेज करती हूँ। भैरानी तिमनासा के वापस आने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तिमनासा के वापस आते ही एक बार फिर से यूनिवर्स में बुराई का आतंक फैलेगा और फिर देखना कैसे मैं दोनों बालवीरों को अपने पैरों के नीचे कुचलता हूँ। अरे ज्यादा उछलना छोड़ो, मेरा मतलब है कुचलना छोड़ो, और ये सोचो कि तिमनासा के आने से पहले कहीं वो दो बालवीर यहाँ आ गए तो। एक काल जल का समुद्र है, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और अगर वो दोनों बालवीर किसी जहाज से यहाँ आ भी गए तो दोनों की इसी काल जल में समाधि बना दूंगा। और ये हमारा वेलकम गिफ्ट होगा तिमनासा को। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इनको कहीं देखा है? कहाँ देखा है? कहाँ देखा है? देखो वो रहा काल-लोक का जहाज। चलो बार्डन, अब इन लोगों की बैंड बजाते हैं। नहीं विवान, ये काल जल है, इस पर हमारी उड़ने की शक्तियां काम नहीं करेगी, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। We'll be right back.
जी बालवीर, ये लोग तो तिमनासा को वापस बना रहे हैं। बट फिगर नॉट, आ गए हैं ना हम, अब हो जाएगी टिम्मी आंटी की बुकिंग कैंसिल। विवान, परियो, आप तिमनासा को वापस लाने की प्रक्रिया रोकी, मैं रे और भयमार के होश ठिकाने लगा था। इतनी दूर से आए हो तुम लोग, तो वेलकम तो करने दो। जितना अच्छा वेलकम करोगे उतना ही अच्छा रिटर्न गिफ्ट भी मिलेगा तुम्हें रे। रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हो तो पहले गिफ्ट ले लो। सबसे पहले मैं इस यंत्र को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, क्योंकि इसके साथ साथ इन लोगों का तिमनासा को वापस लाने का प्लान भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। परियों, इसे रोको। हाँ विवान। इसे ऊपर जाने से रोको। जगाने की प्रक्रिया कहीं और शुरू करो, जाओ यहां से। भाई परी, जाओ विमान, परियो चाहिए। हाँ जाइए, ये जहाज बहुत बड़ा है और हमारे पास समय बहुत कम। रे, 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 सुनो ना, रे सुनो ना, अरे तिमनासा को मारो गोली और मुझे बचा लो ना। अब मेरा मतलब है उड़ के चलते यहाँ से। आइडिया अच्छा है, पर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इस काल चल के ऊपर ना ही कोई उड़ सकता है और ना ही कोई तैर सकता है। इसे कहते हैं अपने हाथों से अपना गला दबाना। शाबाश विवान, तुम्हारी जबान बहुत लंबी है लेकिन अफसोस हाथ बहुत छोटे। इतनी आसानी से रे की गर्दन तक नहीं पहुंचेंगे। लौट जाओ बालवीर, इसी में भलाई है तुम्हारी। भलाई की बातें बुराई के मुंह से अच्छी नहीं लगती। अच्छा, और अच्छाई बुराई के रास्ते में आए, ये बात बुराई को अच्छी नहीं लगती। ठीक है। भयमान, इच्छा पूरी कर देता हूँ तुम्हारी। तिमनासा की बहुत याद आ रही है ना, तो उसी के पास भेज देता हूँ तुम्हें। हमें सावधान रहना चाहिए, मेहमान सिर्फ काल जल में गिरा है, वो वापस आ गया तो? नहीं अनन्या, काल जल एक समय चक्र है,
उसमें जो भी गिरता है वो वापस नहीं आ सकता। अब भाईमार को भी नहीं पता कि वो भूतकाल के किस समय में पहुंच चुका है। चलो दबा दबा। शेर की शेडो में चलने से चूहा शेर नहीं बन जाता विवान, चूहा चूहा ही रहता है। से लोमड़ी शेर नहीं बन जाती रे, वो लोमड़ी ही रहती है। तुम दोनों आपस में खेलो, मैं चलता हूँ। बालवीर, अरे क्या करो, इधर कुआ इधर खाई, मुझे लगता है मेरी शामत आई। तुम्हें ये चाहिए बालवीर, ले लो। विवान, अब इस यंत्र को नष्ट कर दो ताकि तमन्नासा कभी वापस ना आ पाए। बालवीर, परिया, अगर उस यंत्र को नष्ट किया तो बचेंगे ये भी नहीं बालवीर। ये काजल से बाहर कैसे हो गया? बाहर तो तब आता ना जब कालजल में गिरा होता। मेरी हार का जश्न मनाने के लिए इतनी जल्दी थी तुम लोगों को कि देखा भी नहीं कि मैं कालजल में गिरा या रस्सी से वापस आ गया। वाओ भैमार, तुमने तो सारा गेम ही पलट दिया। कमान बालवीर, ये डिवाइस मुझे दे दो, वरना तुम तो जानते ही हो कि भैमार के सीने में दिल है लेकिन दया नहीं। नहीं बालवीर, जल्दी इस यंत्र को नष्ट कर दो। अगर तुम नासा वापस जीवित हो गई तो बुराई महाशक्तिशाली हो जाएगी। हमारी चिंता मत करो बालवीर। जल्दी वो यंत्र दो वरना। जल्दी वो यंत्र दो वरना। नहीं, मैं तैयार हूं।
लो ये मुझसे, लेकिन पहले परियों को छोड़ दो। ये यंत्र मैं सिर्फ भैमार को दूंगा। लाओ। बालवीर, ये बवंडर अचानक से यहाँ पे कैसे आ गया? इस बवंडर की वजह से तो पानी का लेवल भी ऊपर आ रहा है। अरे ऐसे तो सारा पानी यहाँ पे आ जाएगा। मुझे डूबना नहीं है, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। तैरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काल जल में डूबते ही हम समय चक्र में न जाने कितने साल पीछे पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है मुझे जहाज का रुख बदलना पड़ेगा। राजा, फिर मिलेंगे अगर जिंदा है तो। अब ठीक तो है ना? दोनों बालवीरों से एक साथ फाइट करना मुश्किल है, तो अगर दोनों को अलग अलग करना है और तिमनासा को जिंदा करने का प्रोसेस फिर से शुरू करना है, तो बस एक ही रास्ता बचा है मेरे पास। नहीं बचा पाओगे छोटे बालवीर को। विवान, अनन्या, मेरा हाथ पकड़ो। तुम मुझे सुन पा रहे हो ना? कोशिश करो मेरा हाथ पकड़ने की। नहीं बचा पाओगे छोटे बालवीर को। छोटा बालवीर इस बवंडर में मरेगा और तुम मेरे हाथों मरोगे। भयमार मेरे शरीर को रोक सकता है, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। अनन्या और विवान को बचाने के लिए अब मुझे यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। भाली, we'll be right back.
शौर्या, ये क्या हो गया? अनन्या और विवान बवंडर में फंस गए हैं। वही हुआ जिसका डर था बालपरी। मैंने कहा था इतिहास बदलेगा तो उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यही कारण है कि अनन्या और विवान इस बवंडर के द्वारा समय चक्र में पीछे चले गए, भूतकाल में पहुंच गए। बालवीर भी अनन्या और विवान की तरह समय के चक्र में पीछे चला गया। हाँ, और चिंता की बात यह है कि वहाँ सिर्फ उसकी आत्मा गई है, उसका शरीर अभी भी जहाज पे है, जिसके कारण बालवीर का जीवन और अस्तित्व दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। बालवीर बवंडर में फंसकर पूरा भूतकाल में चला गया है और दूसरा बालवीर अपना आधा शरीर यहाँ छोड़कर, अगर मैं इसके शरीर को यहाँ नष्ट कर दूं तो फिर दूसरा बालवीर भी पूरा खत्म हो जाएगा। भागो परियों भागो, आज तुम बच के नहीं जा पाओगी, ना तो इस जहाज से तुम बाहर निकलोगी और ना ही इस बालवीर का शरीर। आज दोनों बालवीर की मौत निश्चित। शौर्य, हमें अनन्या विवान और बालवीर की मदद करनी चाहिए। नहीं बालपरी, पहले ही समय चक्र में बहुत परिवर्तन हो चुके हैं, अब सब उसी समय चक्र के अनुरूप होगा जिसमें अनन्या और दोनों बालवीर पहुंच गए हैं। इसका मतलब ये है कि अनन्या विवान और बालवीर वहां जो कुछ भी करेंगे वही तय करेगा कि वो लोग भूतकाल से वर्तमान काल में आ पाएंगे या नहीं। हाँ, अब अनन्या और दोनों बालवीरों को वहां की स्थिति के अनुसार खुद ही अपनी सुरक्षा करनी होगी। अगर वो लोग ऐसा नहीं कर पाए तो वो कभी वर्तमान समय में वापस लौट कर नहीं आ पाएंगे। और हमें ये संदेश बाकी परियों तक जरूर पहुंचाना चाहिए ताकि वो बालवीर के शरीर को सुरक्षित कर सकें, वरना शरीर नष्ट होते ही भूतकाल में ही बालवीर का अंत हो जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या ये है बालपरी कि अनन्या और दोनों बालवीरों के पास वर्तमान में आने के लिए सिर्फ कुछ ही पहर हैं। 3 पहर के बाद
वो बवंडर फिर से वापिस आएगा और अगर दोनों बालवीर और अनन्या फिर से उस बवंडर में जाकर वर्तमान में ना लौट सके तो वो हमेशा के लिए भूतकाल में ही फंसे रह जाएंगे और बालवीरों का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ताने उस काल चक्र से वे कौन से समय में आ गया? ओ भाई साहब आज कौन सी तारीख है? कौन सा? मैं भी भूल गया कि मैं यहां पर अपनी आत्मा के साथ आया हूं, अपने शरीर को छोड़कर। ना ही कोई मुझे देख सकता है ना ही सुन सकता है। मुझे तुरंत विवान और अनन्या को ढूंढना होगा ताकि मैं उन्हें यहां से अपने साथ वापस ले जा सकूं। अनन्या दीदी, दीदी पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया। हाँ विवान, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि टिकट मैंने दिल्ली की ली थी लेकिन लैंड में मुंबई हो गए। अरे वैसे तो तुम्हारा हर समय बुरा समय ही होता है। मेरा मतलब है मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग कितना पीछे आए। अभी पता चल जाएगा। अब हाय अनन्या, हाय विवान। हेलो रे भैया। हेलो रामू काका, कैसे हैं आप? ये विवान ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है जैसे इसे याद ही ना हो कि रे हमारा दुश्मन है। वी गाइस आर फाइन, तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ, लेकिन ऐसा क्यों पूछा तुमने? वो आज अखबार में पढ़ा ना रे ने कि उसके ऊपर बिजली गिरने वाली है। इनका मतलब है कि बारिश होने वाली, बट आई डोंट थिंक कि बारिश होगी। ये तो समझ आ रहा है कि हम ज्यादा पीछे नहीं आए लेकिन एग्जैक्टली किस कालखंड में आए हैं ये कैसे पता चलेगा? सी यू गाइस लेटर, बाय बाय। मैं समझ गया हूँ कि हम उसी टाइम फ्रेम में जिसमें बालवीर का अंत होने के बाद मैं विवान का बड़ा भाई बनने की कोशिश कर रहा था। दीदी हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कुछ पहले भी हो चुका है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ विवान? एक मिनट, ये मैजिकल जेल हमने इसलिए बिछाए थे ताकि हम ये जान सके कि कौन है वो अदृश्य शक्ति जो हमारी मदद कर रहा है ना? मैंने जेल को इन दानों में कन्वर्ट कर दिया ताकि किसी को हम पे शक ना हो। यू मीन कि ये दाने भी जेल की तरह काम करेंगे और हमारे इस गायब दोस्त के फुटप्रिंट्स ढूंढने में हमारी हेल्प करेंगे? एग्जैक्टली, यू आर राइट। और मैं भी अभी अभी परी बनी। यस 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 सर, मैं सच में परी बन गई हूँ। और ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी खास शक्तियाँ क्या है। पर दीदी यूजुअली तो हम लोगों की मेमोरी क्लीन करते हैं लेकिन इस बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारी मेमोरी लॉस हो गई है? कहीं आपने अपना कोई जादू तो ट्राई नहीं किया मुझ पे? वेरी फनी विवान। अब समझ में आया ये कौन सा समय है। कौन हो आप? अपने नाम बताओ। मैं हूँ तुम्हारा देवूमिया। मैं जानता हूँ विवान कि तुम मुझे पहचान सकते हो, इस रूप में भी तुम मुझे महसूस कर सकते हो। मैं इस समय में आत्मा बनकर इसलिए आया हूं क्योंकि उस कालखंड में मैं एक आत्मा के रूप में भारत नगर में था और विवान ने यह जादू रेत इसलिए बिछाई थी ताकि वो मेरे बारे में जान सके। इसके आगे की कोई भी बात ना ही विवान को याद है और ना ही अनन्या को, और शायद इसलिए उन्हें पता नहीं कि रे हमारा भाई नहीं हमारा दुश्मन है। विमान और अनन्या को बिल्कुल याद नहीं है कि का जल महा बवंडर में फंस कर वो यहाँ आ चुके। वो भूल गए पर हमें सब कुछ याद क्यों है? इसे समय चक्र की लॉटरी समझो, जिसमें हम लकी निकले और ये दोनों अनलकी।
विमान और अनन्या हमेशा के लिए समय चक्र में फंस कर यहीं रह जाएंगे, लेकिन हम प्रेजेंट में जरूर जाएंगे और तिमनासा को जिंदा करेंगे। कभी कभी अच्छी बातें कर लेते हो मेरे साथ रहते रहते। जाएंगे कैसे, वापस जाएंगे हम? काल जल में आने से पहले मैंने बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च कर ली थी। आई नो कि वो टॉर्नेडो पूरे एक घंटे तक यहाँ पर है, जिसमें जाकर हम उसके पोर्टल से सीधा शिप तक पहुँच सकते हैं। नहीं तो यहाँ बैठे बैठे आराम क्या कर रहे हो? वैसे भी 10 मिनट निकल गए तुम्हारे चक्कर में, मेरे चक्कर में चले? नहीं अभी नहीं, क्योंकि जिस टाइम फ्रेम में हम अभी है उस वक्त बालवीर डेड था और एक स्पिरिट के रूप में यहाँ पर था, और मेरे पास एक चश्मा था जिसे पहनकर मैं उसे देख भी सकता था और सुन भी सकता था। कहाँ है बालवीर? तुम्हारे ठीक पीछे। थोड़ी देर के लिए चश्मा मुझे दे दो ताकि मैं भी बालवीर का असली रूप देख सकूं। और अगर बालवीर अभी भी यहाँ पर है तो वो स्पिरिट के रूप में ही होगा, और फिर से वो चश्मा विवान को देने की कोशिश करेगा जिससे विवान उसे देख सके और सुन सके और उसे सब कुछ बताकर पास से प्रेजेंट में ले जा सके। अरे तो हमें जल्दी चलकर उस चश्मे को ढूंढकर उसे नष्ट कर देना चाहिए ताकि बालवीर विवान से ना मिल सके और हमेशा यही फंस कर रह जाए। थैंक यू रे, मेरे आगे का रास्ता तुमने खुद साफ कर दिया। अब मुझे जल्द से जल्द उस चश्मे को ढूंढना चाहिए ताकि विवान को मैं सब सच सच बता सकूं। कहां गिरा होगा चश्मा? वो चश्मा तो यहां पर कहीं पर भी नहीं गिरा, फिर भी हो सकता है वो चश्मा वाले ने उठा लिया। अरे भैया यहाँ पर एक हेक्सागोनल शेप का चश्मा आके गिरा था, आपने उठाया क्या? अरे भैया मैं आपसे बात कर रहा हूं। कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन गायब हो जाऊंगा और खुद को देखने के लिए ऐसा चश्मा ढूंढना पड़ेगा। अरे चश्मे ले लो, चश्मे, रंग बिरंगे चश्मे। अरे वो कोई चश्मा गिरा हो देखा तुमने यहाँ पे? काले रंग का था, ऐसा डायमंड शेप का। ओ वो आपका चश्मा था? हाँ मेरा था, मुझे लगा मेरे ठेले से गिर गया तो मैंने उठा के वापस रख दिया। कहाँ रखा? कहाँ, इधर रख दिया। हाँ है, इधर। अरे 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 भाई साहब, ये क्या क्या चाहिए आपको? अरे अरे भाई साहब, वाह कैसा लग रहा हूँ मैं? कहाँ है चश्मा? यहाँ पे। और फिर क्या बोलो? और फिर एक साइकिल वाला आया, उसने चश्मा ले लिया। नहीं नहीं उसने तो उधार लिया। उसके बाद एक स्कूटर वाला आया, उसने चश्मा लिया। नहीं नहीं स्कूटर वाले ने तो सामने वाली बिल्डिंग का एड्रेस लिया। उसके बाद बच्चे आए और उन्होंने क्या लिया, उधार लिया या सामने वाले बिल्डिंग का एड्रेस लिया? नहीं नहीं भाई उन्होंने तो चश्मा लिया। मुझे क्या ये बेवकूफ और फालतू लगता है? रामू का कप। तुझे ये क्या बेकार और फालतू लगता है, तू ऐसा बात करता है इससे? अरे सीधे सीधे तुम मुद्दे पे क्यों नहीं आता? किस बच्चे को दिया चश्मा बोलो? नहीं वो मिश्रा जी के बच्चों के साथ भारत नगर के 2-3 बच्चे और आए थे। 5 बच्चे यानी कि रिंकू, सोतली, चिंटू, चिंटी, खुशी, किसी के पास भी वो चश्मा हो सकता है। यस मुझे जल्द से जल्द बच्चों को ढूंढना होगा और जिसके पास भी चश्मा है उनसे वापस लेना होगा, और वो भी इन दोनों से पहले। बेवकूफ,
तूने मेरा इतना कीमती चश्मा ऐसे ही किसी को भी दे दिया? अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं दिया, ये पूरे 50 रुपए में दिया था, सही तो आप पैसे वापस ले लो। अरे अरे उसे छोड़ो और बच्चों के पीछे भागो। अरे ये मत भूलो कोई बालवीर ने ये सुना होगा। अरे मैंने खुद अपने कानों से सुना था, वो लोग भी जानने की कोशिश करें कि वो कौन है जो गायब होकर भी उनकी मदद कर रहा है। अगर विवान ने देबू को देख लिया तो मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। ये तू देबू से पहले हम कबूतर दाना चुभ लेते ना, मेरा मतलब है उनके प्लान को बिगाड़ देते। लेकिन उससे पहले मुझे वो चश्मा फाइंड आउट करना है। विवान देबू को देखे ना देखे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे देबू पर नजर रखना बहुत जरूरी है। चश्मा, चश्मा का ये चश्मा है। ए, उधर देखो। रिंकू ने वही चश्मा पहना है जिसकी हमें तलाश है। अरे जाओ, दे तो उसे जोर का झटका और छीन लो उसे चश्मा। जाओ।